everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing awesome and today's video is going to be super duper interesting क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेडिंग मस्ट हैव एसेंशियल्स. ये स्पेशली गर्ल्स के लिए मैंने वीडियो बनाया है. सो जो भी ब्राइड टू बी गर्ल्स हैं या फिर कोई भी वेडिंग अटेंड करने की प्लानिंग कर रही हैं तो आपके पास ये सारी ही चीज़ें होनी चाहिए. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. सो विदाउट मच फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टार्ट करते हैं हेयर एक्सेसरीज से क्योंकि आपके जो वेडिंग कोई भी वेडिंग आप अटेंड करते हो तो हेयर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और हेयर एक्सेसरीज से आपका हेयर का लुक काफ़ी अच्छा आ जाता है. सो हेयर स्टाइल आप घर पे भी बना सकते हो ये सारी एक्सेसरीज यूज़ करके. सो फर्स्ट थिंग है वो है ये बन आर्टिफिशियल बन है. तो ये मैसिव बन मैंने परचेज़ किया था. ये काफ़ी मैंने अपने वेडिंग में भी यूज़ किया है इसको. आई थिंक मैंने हल्दी में इसे यूज़ किया था. सो ये मैंने बाय किया है फ्लिपकार्ट से एंड दिस कॉस्ट मी अराउंड 200 रुपीज़. सो काफ़ी इनएक्सपेंसिव लगा मुझे और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. सो आप ऐसे छोटा सा अपना अपनी जो नेचुरल हेयर है उसका बन बना के ऊपर से आप इसे वेयर कर सकते हो और ये ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लुक देता है और ये मेरे जो बालों का कलर है उससे काफ़ी मैच भी करता है. सो वहाँ पर डिफरेंट शेड्स हैं बालों के तो आप उसके अकॉर्डिंग इसे बाय कर सकते हो. आपके शेड के अकॉर्डिंग आप इसे बाय कर सकते. सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस वाइट गजरा और ये है प्रॉपर वाइट कलर में, ब्राइट वाइट कलर में एंड इसका काफ़ी अच्छा लुक आता है. इसको अगर आप जो ये मैंने एक्सटेंशन दिखाया था इसको वेयर करने के बाद ऊपर से आप इसे टाई कर लो बहुत अच्छा लुक आता है और किसी भी आउटफिट को ये बहुत अच्छा इंडियन लुक देता है. सो एक्चुअली ये बिल्कुल देखने में नेचुरल फ्लावर्स लगते हैं. सो काफ़ी अच्छी इसकी मुझे क्वालिटी लगी. ये भी मैंने परचेज किया है फ्लिपकार्ट से एंड दिस कॉस्ट मी अराउंड 150 रुपीज़. सो काफ़ी इनएक्सपेंसिव है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. काफ़ी अच्छी क्वालिटी और काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे ये. तो मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ. सो काफ़ी टाइम बाद मैंने इसका रिव्यू दिया इसे यूज़ करने के बाद ही. तो ट्रस्ट मी बहुत अच्छी चीज़ है ये. अगर आप साड़ी में भी इसको वेयर कर सकते हो, लहंगा वगैरह में इसे स्टाइल कर सकते हो. सो दिस वॉज द गजरा और नेक्स्ट मैं हेयर एक्सेसरीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ. ये मैंने एक्चुअली स्पेशली अपनी हल्दी सेरेमनी के लिए इसे बाय किया था. तो इसके ये इस तरीके के पैकेजिंग बॉक्स में आता है और आप इस बॉक्स को भी बहुत डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हो, कुछ भी इसमें स्टोर कर सकते हो. तो अच्छी क्वालिटी का बॉक्स दिया है इसमें और ये है बन गजरा. तो इसमें क्या होता है कि आपको इस तरीके से ये नेट दिया जाएगा बैक साइड में तो आपको अपने बन में इसे फिक्स. अगर आपको जो भी मैंने ये एक्सेसरीज दिखाई वो हैवी लगे ज़्यादा तो आप नॉर्मल ये हेयर पिंस ले सकते हो. तो इसमें फ्लावर्स अटैच्ड हैं तो इस तरीके से आप इसको लोकल मार्केट से ही परचेज कर सकते हो. काफ़ी कॉमन है तो आपको ईजिली मिल जाएंगी और ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है. तो ये तो मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया था बट फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन वगैरह में भी काफ़ी अवेलेबल हैं ये. सो इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी. तो जस्ट इसको आप ऐसे साइड में या फिर आप कहीं पर भी इसको फिक्स कर सकते हो. बहुत अच्छा लुक आता है. एक और अभी गंगूबाई मूवी से ये काफ़ी ट्रेंड में भी है. सो ऐसे साइड में इसे वेयर करना काफ़ी ट्रेंड में है अभी. तो आप इसे परचेज कर सकते हो और किसी भी आउटफिट के साथ बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगेगा. तो ये थे हेयर एक्सेसरीज और नेक्स्ट थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी चीज़ है और ये है वो पोटली. और कोई भी आउटफिट के साथ आप इसे वेयर कर सकते हो, कैरी कर सकते हो और बहुत अच्छा लुक आता है. और आई थिंक ये टॉप से भी काफ़ी मैच कर रहा है जो मैंने अभी वेयर किया है. सो इस तरीके से आपको पोटलीज काफ़ी ऑनलाइन भी अवेलेबल मिल जाएंगी या फिर आप लोकल मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हो. तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था और दिस कॉस्ट में अराउंड 180 रुपीज़. और ऐसे ही आपको 180 या 150 के अराउंड आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा. तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी और इसे जस्ट आप इसे ओपन करके कुछ भी अपने एसेंशियल आइटम्स इसमें फ़ोन वगैरह या फिर आप इसमें थोड़ा सा लिपस्टिक या मेकअप का सामान भी इसमें कैरी कर सकते हो. और ये वेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा है और ये ऐसे टाई हो जाता है और आप इसको ऐसे हैंड में भी इसको कैरी कर सकते हो. तो बहुत अच्छा लगता है ये. एक्चुअली मुझे ये मैंने काफ़ी यूज़ किया है तो मेरे पास रेड कलर में भी था ये. सो पता नहीं मुझे मिला नहीं बट आपको डिफरेंट कलर या फिर मल्टी कलर में भी ऐसा मिल जाएगा और गोल्डन में अगर आप लेते हो तो वो आपके हर आउटफिट के साथ मैच करेगा. तो गाइज नेक्स्ट थिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वेडिंग चूड़ा और ये मैंने अपनी वेडिंग में ही परचेज किया था. तो ये कुछ इस तरीके से ये रेड और गोल्डन कलर में ये वेडिंग चूड़ा आता है और ये आपको ऑनलाइन मीशो पर काफ़ी
काफ़ी इसकी रेंज मिल जाएगी, काफ़ी वैरायटी है वहाँ पे, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेंशन कर दूँगी। तो ये इस तरीके का चूड़ा है और इसकी खास बात ये है कि आपके हर आउटफिट के साथ ये मल्टी कलर का चूड़ा आपको मैच करेगा और इसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगी। और इसमें ब्राइड और ग्रूम का भी डिज़ाइन जो होता है इसमें प्रिंटेड रहता है, वो भी आपको मीशो पर अवेलेबल मिल जाएगा। सो मुझे काफ़ी हेल्पफुल चीज़ लगी ये। और अगर आपको इस तरीके इसको नहीं पहनना है, आपको ये पूरा इतना हैवी लुक नहीं देना है, तो नॉर्मल आप इसमें जो इसके साथ कड़े हैं वो भी आप एक हाथ में वेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से इसमें कड़े भी दिए गए हैं। सो तो काफ़ी अच्छा ये लुक आता है और गोल्डन, आई थिंक वेडिंग में गोल्डन ज़्यादा ही यूज़ होता है। तो आप कुछ भी गोल्डन बैंगल्स वगैरह वेयर करते हो या फिर चूड़ा वेयर करते हो तो बहुत अच्छा लुक आता है। और इसमें एक्चुअली बड़े बड़े ये दिए गए हैं, काफ़ी हैवी साइज़ के दिए गए हैं बैंगल्स। ये पूरा आपको आपके हैंड को कवर कर देता है। तो मैं आपको वेयर करके दिखा देती हूँ। ये इस तरीके का चूड़ा है और मुझे काफ़ी पसंद आया था ये। सो मैं हर साड़ी सूट में ये वेयर करती हूँ, जब भी मुझे कोई वेडिंग अटेंड करनी होती है तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है ये। तो आप एक हाथ में, मैंने आपको दिखाया, आप ऐसे चूड़ा या फिर कुछ कंगन वगैरह वेयर कर सकते हो। एंड देन दूसरे हाथ में मैं वेयर करती हूँ ये टाइटन की वॉच और ये इस तरीके से गोल्डन टच में है। सो गोल्डन होने से आप सारे आउटफिट में इसको वेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से ये वॉच है एंड दिस कॉस्ट मी अराउंड 3000 रुपीज़। सो ये एक्चुअली मेरी मदर की वॉच है, मम्मी की वॉच है। सो मैं इसे वेयर करती हूँ कभी कभी, बहुत अच्छा लुक आता है इससे। सो इस तरीके से ये बहुत स्लीक और पतली सी ये वॉच है, तो बहुत अच्छा लुक देता है और बहुत डिसेंट दिखता है। तो दूसरे हाथ में मैं यही वेयर करती हूँ। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू दी मेकअप आइटम्स, और मेकअप में मैं ज़्यादा आपको रिकमेंडेशन नहीं करूँ कि मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊँगी जो वेडिंग के लिए आप मेकअप यूज़ कर सकते हो या बाय कर सकते हो। तो इसमें आपके पास ये दो मैंने लिपस्टिक यहाँ पे ऐड की हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा शेड है इन दोनों लिपस्टिक का और ये ऐसे शेड्स हैं कि आपके हर आउटफिट में मैच। यूजुअली होता क्या है कि आपको वेडिंग में थोड़ी ब्राइट कलर्स या फिर ब्राइट, अगर आपने जो आउटफिट है वो थोड़ा डल पहना है तो ब्राइट लिपस्टिक आप यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। सो फर्स्ट लिपस्टिक है फ्रॉम दी ब्रांड मैक और ये है इन दिस शेड रूबी वू और इस तरीके की रेड कलर की लिपस्टिक है। तो मैं आपको ये सर्च करके दिखा देती हूँ इसमें कैसा कलर आएगा। तो ये इस तरीके का रेड कलर आपको दिखेगा, ये ब्राइट रेड है तो बहुत अच्छा लुक आता है। सो ये रेड कलर एक्चुअली आपके हर आउटफिट के साथ अच्छा जाएगा और आई थिंक रेड कलर सबका ही फेवरेट होगा। इसने मुझे कॉस्ट किया है मैक के लिपस्टिक ने 1500 रुपीज़। और अगर आपको इतने एक्सपेंसिव लिपस्टिक में इन्वेस्ट नहीं करना है तो मेरे पास एक और ऑप्शन है एंड दिस लिपस्टिक इज़ फ्रॉम दी ब्रांड मेबलिन और ये है इन दी शेड M402 मैडली मैजेंटा और इसमें भी काफ़ी शेड्स हैं बट मैंने ये वाला पिंक वाला शेड इसे बाय किया है। तो इस तरीके से ये पिंक शेड में ये लिपस्टिक है। तो अभी जस्ट मैंने ये लिपस्टिक, यही वाली लिपस्टिक वेयर की है तो काफ़ी अच्छा शेड है इसका। तो पिंक और रेड लिपस्टिक आप हमेशा अपने साथ कैरी कर सकते हो जब भी आपको वेडिंग अटेंड करनी हो तो वहाँ पे काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। सो जो ये मेबलिन की लिपस्टिक है इसमें और भी आपको शेड्स अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आपको रेड शेड, ब्राउन या फिर आपको न्यूड शेड्स में भी अगर आपको ट्राई करना है तो कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, बहुत क्रीमी, काफ़ी क्रीमी टेक्सचर में है। और ये जो मैंने मैक की लिपस्टिक आपके साथ शेयर की है थोड़ी सी मैट फिनिश में है तो वो भी काफ़ी अच्छी है, आप दोनों ही ट्राई कर सकते हो। तो गाइज ये मेबलिन की जो लिपस्टिक है इसने मुझे कॉस्ट किया है 350 रुपीज़ और आई थिंक ये मैंने बहुत पहले बाय की थी तो अभी इसका प्राइस और भी कम हो गया होगा। तो ये आप सेल में परचेज कर सकते हो, आपको 200 के अराउंड ये मिल जाएगी। और लैकमे की ब्रांड से भी आप लिपस्टिक ट्राई कर सकते हो। लैकमे 925 की जो मैट लिपस्टिक्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, उनका रेंज काफ़ी अच्छा है, शेड्स उसमें बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी हैं। तो नेक्स्ट है मेरे पास ये दो टाइप के रिंग है एक्चुअली। तो जो फर्स्ट रिंग है वो इस तरीके से ये कुंदन वर्क में है और इसमें थोड़ा रेड कलर का और गोल्डन कलर का टच दिया गया है। तो ये हर एक आउटफिट के साथ बहुत अच्छी जाएगी। सो इस तरीके के रिंग्स आप बाय कर सकते हो। और एक और ऑप्शन मैंने रखा है ये स्टोन वर्क में, तो ये स्टोन वर्क में रिंग है गोल्डन और सिल्वर में, तो ये भी आपको हर आउटफिट के साथ मैच करेगी और बहुत ही प्यारा लुक देती है ये।
आई मीन लुक एट दिस गाइस, बहुत ही खूबसूरत रिंग है ये. सो ये काफ़ी एसेंशियल आइटम्स हैं, तो ये भी आप वेडिंग के लिए इसे बाय कर सकते हो. सो इस तरीके की जो मल्टी कलर में रिंग्स रहती हैं वो आपको हर आउटफिट के साथ मैच करेंगी. नेक्स्ट गाइस, अगर आप नेल एक्सटेंशन नहीं करवाते हो या फिर आपको वेडिंग में इतना टाइम नहीं है कि आप नेल एक्सटेंशन करवा पाओ, तो आपको ये फेक नेल एक्सटेंशन जो हैं ये आपको हेल्पफुल रहेगा. और इसने मुझे कॉस्ट किया है 150 के अराउंड, और ये मैंने बाय किया था फ्लिपकार्ट से ही. तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ये नेल एक्सटेंशन है. ये मैंने अपनी एक्चुअली वेडिंग में भी इसे ट्राई किया था. सो ये है कुछ गोल्डन और ये रोज़ गोल्ड कलर में है, बट इसमें काफ़ी आपको शेड्स या काफ़ी आपको कलर्स मिल जाएंगे. तो आप अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग इसे बाय कर सकते हो, अपने आउटफिट का जो कलर है उसके अकॉर्डिंग इसे बाय कर सकते हो. तो इसमें जो नेल्स एक्सटेंशन है वो दोनों ही हाथ के लिए दिए गए हैं, और इसे फिक्स करने के लिए भी ग्लू दिया गया है. तो आई थिंक ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा अगर आपको कोई भी वेडिंग अटेंड करनी है, आपकी खुद की वेडिंग हो और आप नेल एक्सटेंशन में बहुत सारे पैसे खर्च नहीं करना चाहते हो, तो ये बेस्ट चीज़ है. और इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी बिंदी. और इस टाइप की जो मल्टी कलर की बिंदी होती हैं गाइस, वो काफ़ी अच्छी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं. तो सो इफ़ यू हैव दीज मल्टी कलर बिंदी, सो यू आर सॉर्टेड फॉर एवरी ओकेजन गाइस. बहुत अच्छा लुक आता है. और इसमें मल्टी कलर के साथ ही इसमें साइड में गोल्डन कलर का टच दिया गया, तो आप कोई भी बिंदी जो भी आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आप बाय कर सकते हो. तो ये मैंने लोकल मार्केट से ही बस जस्ट 10 रुपये में मैंने खरीदी थी ये. तो ये मेरे हर आउटफिट के साथ मैच करती है. इसमें बहुत डिफरेंट शेड्स है, डिफरेंट कलर्स है, तो मुझे काफ़ी अच्छी और काफ़ी हेल्पफुल चीज़ लगी थी ये, इसलिए मैंने बाय किया था इसे. सो नेक्स्ट थिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक नेक पीस. और इस तरीके के जो कुंदन वाले जो नेक पीस होते हैं ना, वो काफ़ी मतलब ये तो आपको काफ़ी कॉमन चीज़ दिखेगी, और ये बहुत बार आपने देखा होगा मार्केट में या फिर आपने ऑनलाइन भी देखा होगा. तो इस तरीके के जो कुंदन वाले जो नेक पीस होते हैं वो हर आउटफिट के साथ मैच करते हैं. आप जस्ट एक सिंपल आउटफिट भी आप देख सकते हो, इसमें भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है. सो नॉर्मल आप आउटफिट पहनते हो, एक बेसिक आउटफिट भी पहनते हो, तो उसमें एक पॉपअप या फिर इंडियन लुक देने के लिए आप इस तरीके की ज्वेलरी आप ऐड कर सकते हो. तो आई थिंक ये मस्ट हैव चीज़ है, और आपके पास ये होनी चाहिए इस तरीके कुंदन नेकलेस. और ये काफ़ी कॉमन भी है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी मैं. तो इसमें काफ़ी शेड्स आते हैं, तो यहाँ पे मैंने मरून कलर में लिया है, इसमें ग्रीन और भी शेड्स आते हैं. तो आई थिंक मरून कलर जो है वो सब में चलेगा और सब में मैच करेगा सारे आउटफिट में, तो इसलिए मैंने ये वाला कलर बाय किया. इसके साथ ही नेक पीस में मैंने एक चीज़ और ऐड की है, क्योंकि हमेशा हर किसी को गोल्डन चीज़ें पहनना पसंद नहीं है, गोल्डन ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं है वेडिंग में. सो मैंने यहाँ पे एक सिल्वर कुंदन का नेकलेस भी यहाँ पे ऐड किया है. ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, आई मीन लुक एट द नेकलेस गाइस, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा नेकलेस है, और इसका डिज़ाइन एकदम यूनिक है. सो ये भी आपको ऑनलाइन काफ़ी मिल जाएगा, तो ये भी आपको काफ़ी आउटफिट के साथ मैच करेगा, और ये थोड़ा सा क्लासी लुक देता है. तो आप देख सकते हो इसने पूरे मेरे नेक को एकदम कवर कर लिया है. सो और कुछ नेक में और कुछ वेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है. आप इयररिंग्स भी नहीं पहनोगे इसके, तो ये आपका पूरा ये फुल कर देगा आपका नेक. और इसके साथ ही मैंने रिसीव किया है ये इयररिंग्स. तो इसी सेम शेड में, सेम डिज़ाइन में मुझे इयररिंग्स भी रिसीव हुए, तो काफ़ी क्यूट. और ये इसका साइज़ एक्चुअली बहुत ही आइडियल साइज़ है, इतने साइज़ की इयररिंग्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैंने अभी एक्चुअली पहन रखा है. बट आप इस तरीके के इयररिंग्स या फिर इस तरीके के आप जो सेट है उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो. तो एक्चुअली ये गिफ्टेड था, एक भाभी है मेरी, उन्होंने गिफ्ट किया था मुझे ये. सो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे पाऊँगी, बट इससे कुछ भी मिलता जुलता इसे सिमिलर कुछ अगर मुझे दिखता है तो मैं मेंशन कर दूंगी. सो नेक्स्ट थिंग गाइस, मेरे पास हैं इयररिंग्स, और इयररिंग्स के बिना वेडिंग तो अधूरी है. और अगर आपको ऐसे नेक पीस वगैरह पहनना पसंद नहीं, या फिर आप बोट नेक के कुछ ब्लाउज़ वगैरह पहनते हो, तो उसमें नेक पीस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. तो आप इस तरीके के चांद बाली में इन्वेस्ट कर सकते हो. तो ये गोल्डन और सिल्वर कलर में चांद बालियाँ हैं, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी इसके डिज़ाइन लगी, और मैंने काफ़ी वेयर भी किया है इसको वेडिंग्स वगैरह में. तो इसका क्लोज़अप शॉट मैं आपको दिखा दूँगी, बहुत ही प्यारा इसमें वर्क किया गया है. सो इस तरीके के आप कुंदन ज्वेलरी में या फिर आप चांद बाली वगैरह में थोड़े से आपको हैवी इयररिंग आपको लेने पड़ेंगे, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो. तो आप किसी भी जो भी आपका आउटफिट है उसके साथ बहुत अच्छा ये मैच होगा. देन नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी मांग टीका. और
अगर आपको एकदम सिंपल सा और एकदम क्लासी सा लुक चाहिए तो जस्ट वेयर मांग टीका और बस, आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, मांग टीका वेयर कर लो और इस तरीके के जो कुंदन और मोती वर्क में आपको पर्ल्स में आपको ये दिखेगा और बहुत ही प्यारा ये मांग टीका है। सो मैंने इसको अपने वेडिंग में परचेज किया था और मैंने आई थिंक फेरे के टाइम पे इसे वेयर किया था, तो इस तरीके से ये काफ़ी आपके जो पूरा फोर हेड है इसको कवर कर लेगा और काफ़ी हैवी लुक देता है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी ये चीज़। और आपको ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छे मांग टीका अवेलेबल मिल जाएंगे, अमेज़न वगैरह पे काफ़ी अच्छा इस काफ़ी अच्छी इसकी रेंज है, तो या फिर आप माथा पट्टी भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। सो किसी भी सूट या फिर साड़ी या लहंगा किसी चीज़ में भी आप इसको पेयर कर सकते हो, बहुत अच्छा लुक आता है, ट्रस्ट मी। तो गाइज नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वेस्ट चेन और बेल्ट भी वो आप इसको बोल सकते हो। सो ये गोल्डन कलर में बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप की ये चेन है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी ये। मैंने लोकल मार्केट से गाइज परचेज़ किया था, एक फेयर लगा था वहाँ से मैंने परचेज़ किया था, तो दिस कॉस्ट में रुपीज़ 150 और प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। और मुझे एक्चुअली ये इसको परचेज़ किए हुए 2 साल हो गया, मैं इसे कब से यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा अभी इसका भी क्वालिटी है, तो अभी एज इट इज़ अभी मुझे दिख रहा है ये, और अभी एक्चुअली मैंने काफ़ी टाइम बाद इसको निकाला है। अगर आप किसी भी सिंपल आउटफिट को थोड़ा सा ट्रेडिशनल, थोड़ा सा आप एथनिक वाइब देना चाहते हो तो बहुत अच्छी ये चीज़ है ये, तो आप एक सिंपल सी बेल्ट भी ले सकते हो इसमें, आप ऑनलाइन काफ़ी अवेलेबल हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आपको जस्ट टाई करना है पीछे से और इसमें एडजस्ट करने के लिए भी हुक दिया गया है, तो आप अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, तो आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक परफ्यूम और आप मेरे साथ एग्री करोगे कि अगर आप डेली यूज़ में परफ्यूम नहीं लगाते हो बट आप अगर वेडिंग अटेंड करनी हो आपको तो आप डेफिनेटली परफ्यूम यूज़ करते होगे। सो मेरे पास ही है ये बर्बरी का परफ्यूम और इसकी आउटर पैकेजिंग इस टाइप की ब्लश पिंक में है। सो ये मेरे ब्रदर ने मुझे गिफ्ट की थी और इसका जो शोज़ ऑफ द टॉपर है वो है इसका बॉटल। और गाइज लुक एट द पैकेजिंग, आई मीन बहुत ही प्यारा ये इसकी बॉटल है और काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है गाइज इसकी, तो ये मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है क्योंकि ऑफकोर्स इतनी एक्सपेंसिव चीज़ मैं डेली तो यूज़ नहीं करूँगी, मैं कभी कभी इसे यूज़ करती हूँ बट इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहती है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई ये चीज़। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छे से परफ्यूम में और बर्बरी और भी कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि आप H&M वगैरह से भी आप परफ्यूम परचेज कर सकते हो, वहाँ पर भी काफ़ी रीज़नेबल या फिर ज़ारा के परफ्यूम्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। सो मूविंग ऑन टू द क्लोथिंग आइटम, और क्लोथिंग आइटम मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं की हैं यहाँ पर, बहुत इंक्लूड नहीं की हैं चीज़ें, क्योंकि आप ड्रेस तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पहन सकते हो बट कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जैसे कि ये ब्लाउज़, और ये काफ़ी स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ है। सो ये मैंने परचेज़ की थी मीशो से और काफ़ी स्ट्रेचेबल है ये, तो ये मैंने ब्लैक कलर में परचेज़ की थी और इसका जो स्लीव्स है वो आता है मुझे एल्बो तक, तो ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी मल्टीपर्पज़ ये ब्लाउज़ लगी, तो ये आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह में भी आपको ये मिल जाएगी। और मुझे इसका ख़रीदने का मेरा रीज़न ये था कि मैं जो जितनी भी साड़ी है या फिर लहंगे है उसके साथ स्टाइल कर सकती हूँ, तो कोई भी मेरे पास साड़ी बेसिक साड़ी हो तो मैं उसके साथ स्टाइल कर सकती हूँ, तो ये इसका फैब्रिक प्योर कॉटन और स्ट्रेचेबल है, तो आप इस तरीके की जो ब्लाउजेज़ हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको अगर इंस्टेंटली आप कहीं जाना हो और आपके पास ब्लाउज आप स्टिच ना हो तो आप इस तरीके के ब्लाउज यूज़ कर सकते हो। तो ये था ब्लैक कलर में ब्लाउज। और नेक्स्ट जो ब्लाउज मैंने वेयर किया है गाइज आप देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे और मीशो में ये काफ़ी रेंज है इसकी, तो सैटिन का ये ब्लाउज है और मैं इसे क्लोजअप आपको दिखा दूंगी, और इस तरीके से बलून स्लीव्स है इसकी। सो और यहाँ पे वेस्ट में थोड़ा सा यहाँ पे इलास्टिक दिया गया है तो बहुत अच्छे से ये इन्हांस करता है आपके पूरे लुक को, और इसके साथ कोई भी आप बेसिक सी साड़ी वेयर कर सकते हो, कोई भी कलर की आप साड़ी इसमें वेयर कर सकते हो, तो अगर आप ब्लैक कलर में इसमें लेते हो ब्लाउज़ तो उसमें आपको साड़ी ही जो आउटफिट है उसके साथ मैच करेगा, तो आई थिंक मैं रेकमेंड करूँगी ब्लैक कलर, मुझे मिला नहीं था इसलिए मैंने ये पिंक कलर बाय किया था, और एक्चुअली मेरे पास सेम कलर की साड़ी है तो मैंने उसके पहनने के लिए बाय किया था। तो एज ए इसको आप टॉप भी पहन सकते हो और ब्लाउज भी पहन सकते हो, आप इसको स्कर्ट के साथ पेयर कर सकते हो, बहुत अच्छा लुक आएगा और एक इंडियन
लुक आपका रेडी हो जाएगा। सो ये मैं आपको रेकमेंड करूँगी, हाईली रेकमेंड करूँगी। एक्चुअली आप इस ब्लाउज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो एंड दिस कॉस्ट में ₹200, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा फैब्रिक है इसका और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी इसके लिए। सो नेक्स्ट गाइज, दीज आर सैंडल्स और ये है मेरी वेडिंग सैंडल्स एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड कैटवॉक। सो ये मेरे इन लॉज की तरफ से थी और ये काफ़ी अच्छी इसका मुझे अभी तक ये जो लुक है ना काफ़ी अच्छा। मुझे एक्चुअली कंफर्टेबल सैंडल चाहिए थे अपने वेडिंग के लिए। सो मैं बहुत ज़्यादा हील की मुझे सैंडल नहीं चाहिए थी, तो इस तरीके से आप देख सकते हो उसकी बहुत कम हील है। और आपको कैटवॉक या फिर आपको मेट्रो इंक 5 वगैरह जो ब्रांड हैं इनमें आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की सैंडल्स मिल जाएंगी और दिस कॉस्ट में ₹2000 आई थिंक, मुझे कुछ ऑफ में भी था तो ये 1800 का मिल गया था और आई थिंक 20% कुछ ऑफ था। सो इस तरीके से ये थोड़ा ग्लिटरी इफेक्ट देती है और ये रोज़ गोल्ड मैंने बाय की है, तो आप या गोल्डन सिल्वर या फिर रोज़ गोल्ड में बाय करते हो तो आपको हर आउटफिट के साथ मैच करेगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत कंफर्टेबल थी ये, तो मैं पूरे टाइम अपनी वेडिंग में मैंने इसी को वेयर किया था। तो लास्ट थिंग गाइज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सबसे यूज़फुल चीज़ जो होती है वो है स्ट्रेटनर। और बालों का हमेशा गर्ल्स का प्रॉब्लम रहता है कि कैसे इसको स्टाइल किया जाए, तो कुछ भी समझ में ना आए तो आप इससे स्ट्रेट कर सकते हो बालों को। और अगर आप बिगिनर हो, आपको थोड़ा डर लगता है हीट वगैरह से कि आप कैसे यूज़ करोगे, तो ये आपके लिए बेस्ट है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी ये, 1300 में मैंने बाय की थी फिलिप्स का, तो इसका ये छोटा सा आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हो, तो ये बहुत छोटी सी पैकेजिंग में आया था ये। सो इसमें बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं होता और बहुत अच्छा लुक आ जाता है आपका, जो आपके जो हेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से स्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसको जस्ट आपको प्लग इन करना है और आपको ये हाई और लो का भी यहाँ पे बटन दिया गया है, तो आप वहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। सो फिलिप्स ब्रांड के जो स्ट्रेटनर या फिर आपको हेयर ड्रायर काफ़ी अच्छे रेंजेस में मिल जाएंगे, तो आप इसे बाय कर सकते हो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, वहाँ पर काफ़ी अच्छे आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। सो गाइज़ ये थी सारी एसेंशियल चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की और वेडिंग में ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर आपको ये आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, स्पेशली गर्ल्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकती हैं। सो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।